आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोग
शालीमार में रात में तुम जाग रही हो, तुम्हारी दुख में वेदना है, बोया तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जो तुम्हारी रात अच्छी गई है, बोया तुमसे शायद हम आज़ादी के कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ नहीं देखने जा रहे हैं। ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं बल्कि गहना, हमें यह गिट्टियाँ करवाई, हमसे यहाँ गिट्टियाँ करवाई जाती हैं। हम पेट भर जुआ खाकर अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। मैं आधी रात में जीकर तुम मधुर विद्रोह बीच इस पर क्यों करो? रवि कुमार से कहते हैं कि हाँ, जेल में कैदियों का भविष्य और देश का भविष्य दोनों निराशापूर्ण है। कोयल तू अपना और मेरा अंतर को देख, तुम्हारे बड़े डालियों आकाश के स्वतंत्रता के साथ में रहती है। मेरी दुनिया बस खुद की एक होती है। हमारे देश का लोगों को खुशी मिलती है जब हम मेरा बना हुई ना। कोयल अपनी रचनाओं के द्वारा कोयल कुछ बदलाव मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा आज़ादी के रास्ते को दिखाया, आज़ादी के लिए संघर्ष करने का रास्ता दिखाया गया है और मैं आज़ादी की इस लड़ाई में चल पड़ा और इस कारण से मुझे यहाँ अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। उस कविता में प्रातकालीन समय में अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन और ये भी बताया गया कि उस समय कैदी भाग के स्वतंत्रता संग्राम में उठाया भाग लेने वाले कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार इस प्रकार अन्याय और अत्याचार कर कविता में बहुत ध्यान से क्या जाते हैं, क्यों रह रह जाते हैं? क्या लाती है संदेशा किसका है? ऊंची काली दीवारों के भेदन, बापू चोरों बटवारों के भेदन, जीने को देते नहीं मरने भी देते नहीं, जीवन पर अपनी प्राप्त करा पहला है, शासन है या तल का प्रभाव देता है। दिन का निराश चला रात की काली, इस समय करुणा जगी हो तो ही है। पटवार पर रास्ते में चलने वाले लोगों को रुकने वाले कम यानी अंधेरा, दिन का यानी चंद्र चंद्रमा, कालिमा पर हमने काले रंग की बनाई काली यानी सी तो यहाँ पर रवि कोयल को समझ कोयल कहते इस समय काल में और उसे काल में बाहर से कोयल का कोयल की आवाज़ सुनते हैं। कोयल की आवाज़ को सुनकर कवि उसे संबोधित करते हुए बोलता है, हे कोयल तुम कारागार के ऊपर मर रहा है, क्या करो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे मन में कौन सी गंदी बात है जिसे तुम कहना चाहते हो? उसे बार बार कहते कहते तुम डर जाते हो। तुम मेरे लिए क्या करना चाहते हो, क्या समस्या आई है, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? इस प्रकार के भाव मेरे मन में जगाना चाहते हो। दुनिया को बिना संदेश स्रोत से तुम मुझे स्पष्ट रूप से कुछ कहो। मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों में कैदी को डालता हूँ। यहाँ डाकू चोर लुटेरों के बीच मुझे रहना पड़ा, इनके मध्य रहने के लिए मैं मजबूर हूँ। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट पर भोजन भी नहीं मिलता, यहाँ तो मरने की भी सीमा नहीं है। ऐसा लागती जीवन जीते हुए हमें विवश होकर कष्ट में जीवन जीना पड़ रहा है। हमारे जीवन पर रात दिन का कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा है। हमें कोई स्वतंत्रता को प्रकार करने की सुविधा नहीं,
सरकारी गुप्तचर पुलिस सिपाही हमेशा हम पर नजर रखते हैं। यह शासन है कि घोर अज्ञान है, अत्याचार है, अंधेरा है, चारों ओर मानव अंधकार है और चंद्रमा भी है तथा कहीं भी रोशनी नहीं है। किसी भी चीज़ की हमें आज़ादी नहीं है। रात भी अंधेरी है अर्थात आशा का उम्मीद का कोई संकेत नहीं है। सब तरह के रास्ते बंद हैं। ये सभी गोयल इस निराशा भरे झड़झड़ों में क्यों जाकर तुम क्यों जाकर हमें बता रही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कवि के अनुसार कोई अंग्रेज सरकार के अत्याचार से अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी है। वह जेल में बंदी कैदियों के साथ हो रहे अत्याचार अन्याय को देखकर दुखी हो गए। इसका कारण विघल है, इसलिए वह जेल की दीवार के ऊपर मंडरा रही है और कुछ गा रही है। अभी तो कारागार में डाकुओं चोरों लुटेरों के बीच रहना है। राजनीतिक कैदी होने पर भी उसे अलग रहने की सुविधा नहीं है। यह अंग्रेजों का अत्याचार है। कभी तो चोरों डाकुओं के बीच में रहना, उसे पेट भर भोजन भी खाने के लिए नहीं मिलता है। उसे कड़ा उस पर कड़ा पहना है। इस समय उसे हर प्रकार की कठिनाइयों के बीच में रहना पड़ना है। कारागार में होने वाली कठिनाइयों के कारण उसका मन कष्ट सहने से अच्छा यही है कि वो मर सके, ऐसा वो सोचता है। रात काल वह चांद भी डूब गया इस तरह कभी को लगा मानव सारे प्रति छुप गया है। तो अंग्रेज सरकार की क्रांतिकारी वीरों देशभक्तों को देशप्रेमियों को कैद करते रहती हैं और ऐसी जगह कैद करके रखी जहाँ मेरे चोर है मंदिर में उन्हें पेट भर खाने में नहीं मिल पाता है और किसी प्रकार का सुविधा भी सुख सुविधा भी नहीं है, मान सम्मान भी नहीं है। वो जी भी नहीं सकते हैं और मर भी नहीं सकते। इस कारण तड़पकर मर जाते हैं। अंग्रेज शासन को तुलना यहाँ अंधेरे से वो इस प्रकार इस समय अंग्रेज सरकार अंग्रेज शासनकाल देशभक्तों पर इस प्रकार का जोर बढ़ा रहे थे उसका यहाँ पर वर्णन किया है। अब दूसरे छंद में देखिए कि दूसरी छंद में कभी क्या कहा। क्यों हो पड़े वेदना बोझ वाली सी कोयल को क्या रुका मृदुल मैं भौती मैं भवानी सी होती बोलो क्या हुई मावली अतरात्र को चीखी कोयल बोले किस दमन की ज्वाला है दिखी होती। दूसरा उसने दूसरा स्थान पर पकड़ा क्या हो पड़े वेदना बोझ वाली सी होती बोलो क्या रुका मृदुल मैं भौती मैं भवानी सी कोयल बोलो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो किस बावना के ज्वाला है निकली कोयल बोलो। कुक कुक का मतलब होता है कष्टी कसर भरी आवाज दुख भरी आवाज वेदना से भरी आवाज वेदना का कड़क मेरा मृदु उमंग मीठा वैभव समृद्धि ऐश्वर्य बावली है पाली अर्धरात्नी आधी आधी रात शावाना मतलब होता है चंदन की ज्वाला का अर्थ होता है। इस प्रकार इस पर कुछ कठिन शब्द हैं, आइए इसका अर्थ देखें। कवि कहता है हे कोयल तुम्हारे कंठ में वेदना तुम्हारे स्वर में वेदना एक भूख है एक दर्द है एक पीड़ा है तुम्हारी आवाज में एक दर्द है एक वेदना है एक भूख है। हमने ऐसा किया तुम्हारा क्या लूट गया तुम्हारे तुम्हारा कट इतना तुम्हारा मधुर है मानो
तुम्हें ईश्वर ने संसार से हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंपा। बताओ तुम्हारे स्वर में आज इतनी वेदना क्यों? रवि कोयल से पूछता है, कोयल वो किस तरह आखिरकार क्यों चीख रहे? या तुम पागल हो गए हो, या तुमने किसी जंगल में आग को देख रहे, किसी रावणक को देख रहे जिसकी ज्वाला से डर कर अचानक तुम चीख पड़ी? तो यहाँ पर कवि ने कोयल को मृदुर वैभव की रखवाली कहा है। वो अपने कोमल कंठ से, मधुरता से, सरसता से सबको प्रसन्न करती है। वह संसार के लिए मधुर स्वर रखती है और मधुरता का संदेश भी देती है, इसलिए उसे मृदुर वैभव की रखवाली कहा गया। कोयल की आवाज में दुख और वेदना अनुभूति कवि को अभी कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हो रही है, इसलिए उसने उसकी आवाज में कुक का कोयल के कुक में वेदना छिप। कोयल का आधी रात वो चीर के आसपास कुकना बहुत अस्वाभाविक लगता है। कवि पहले भी दुखी था, उसकी कुक से उसके दुख को और बढ़ाते हैं, यानी कोयल की कुक से कवि का दुख और ज्यादा बढ़ गया है। अतः उसकी मनो क्या उसकी दशा कोयल की दशा बावली जैसी। कोयल आधी रात में चीख रही, उसकी इस चूक को सुनकर कवि उसको बोलता है, क्या बावली तो या तुमने किसी जंगल की आग को देखकर आतंकित या भयभीत हो गई? अब तीसरे स्टांजे में हम आते हैं, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना पतकड़ियां क्यों? क्या पृथ्वीराज का गहना कोल्लू का चरकचूर जीवन की तार कितनी पर अंगुलियों के लिए गा हूँ मोट किस्ता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ जिस पकड़ कर कुआं दिन में करुणा क्यों जगे दिन में करुणा क्यों जगे रुआने वाली इसलिए रात में अगर इसलिए रात में गजब भारी आली इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो? यकीन बोलो चुपचाप उधर चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही वो क्यों बो रही क्यों यकीन बोलो। तो यहाँ पर देखिए चरक चुप जब चलता है बैलों की सहायता से उल्लू को चलाया और तेज निकाल तो उसकी उसको चलाने से जो आवाज आती है उसको चकचुक आवाज का गिट्टी है पत्थर को मोट मोट मतलब होना है उल्लू का चस गजब खाना है आतंक मच एक कभी कहता है क्या तू रात में असमय श्री गंदन मचा रहे हैं कि मुझे हमारी लड़िया पसंद नहीं है? तू इसे बंधन की लड़िया समझ कर पसंद हो रही थी किंतु हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं ये तो मुझे साथ का गहना जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं हमने जेल सलीकों को सब से करा हमारे लिए तुम फूलों की जो आवाज है वो तो हमारे लिए जीवन का संगीत हमें उससे रस आने लगा इस पत्थर कर अपने हाथों से तोड़ तो मानो हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर जहाँ हम पत्थर तोड़ रहे हैं कंकर तोड़ रहे हैं उन हाथों से कठोर काम कर रहे हैं तो ये काम करना हमारे लिए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का गान जैसा तो पत्थर को होने की क्रिया से हमारे अंदर उत्साह प्रेरणा है और हम एक दिन किसी प्रकार की पत्थरों से इन हाथों से जो इस शासन का जो पत्थर है उसको भी बोलकर मैं कुल्लू का जुआ अपने पेट पर बांधकर मैं चस्सा चला रहा हूँ। इस क्रिया में निरंतर ब्रिटिश
शासन के तंग कुंभ कुंभ प्रावधान तथा मैं यातनाएं सहकर अंग्रेजों के सामने पराजय रहकर की अकड़ को दूर कर रहा था। ये गोयल अब मुझे समझ में आया कि जो रात में था अपना मधुस्वर अपने सुनाने नहीं। वो जानते हैं कि दिन का समय घोर यातना संघर्ष और प्रसन्न का होता है। इस समय न तो मधुर आवाज का कोई अर्थ है न करुणा का। इस समय तो असीम साहस की आवश्यकता है। इसलिए तो रात में दिन के प्रसन्न से उभर आए भावों को लगन लगाने आई है। अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम शांत नीरव रात्रि के सारे अंधकार देखते हुए मुंडन करने का भी क्यों करना मचा रहे हो। तुम्हें क्या दुख है? तुम अपनी वेदना में मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह पैदा कर रही हो। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के हथकड़ियों को पहना कर पहनकर कभी गौरव का अनुभव कर और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग ले रहा है। इसके लिए जो सजाएं कष्ट भोग रहा है इस पर से गर्व मुझसे आशा है। यह कष्ट यह वेदना ही निकल जाएगी और हमारा देश आजाद होगा, हम आजाद होंगे। इसलिए अंग्रेज शासन की ये हथकड़ियाँ कभी को गहना जैसे बन रही हैं। कैदी के रूप में कभी को जेल में कुल्हू की जगह बैल बनकर काम करना पड़ रहा है। गोयल कभी भी दैनीय दशा देखकर कुकू की आवाज में संवेदना प्रकट कर रही है। उसे कभी इस दशा पर बहुत दुख होता है। उस दुख को देखकर कभी के स्थिति को देखकर वह उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। तो कवि को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संघर्ष करते हुए कारागार में कैद होना पड़ा, जहां उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। उसे हथकड़ियां पहना कर जेल में रखा गया है और इन हथकड़ियों मिलता है। उसे गोलू चलाने के बैल की जगह जो दिया जाता है वह उस कष्ट को भी हंसते हंसते सहता है। उसे गुटियाँ दुलवाई जाती हैं, अपर दुलवाए जाते हैं, हमान के कष्ट दिए जाते हैं और देश की खातिर हमेशा सह रहा है। कवि को गर्व है कि उसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया है और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में विद्रोह और संघर्ष कर रहा है और इस कारण उसने ये हथकड़ियाँ पहनी हैं और ये हथकड़ियाँ उसे इस दिन अपने को गहना और श्रृंगार मार रहा। अंग्रेजों ने कवि की अकड़ भेदित करने के लिए उसे अमान्य यात्राएं दी। कोलों की बैग के जगह उसको उसकी छाते पर जुआ बांध दिया और कोदो चलवाया। कवि ने इस यात्रा को निषेध दिया। इससे अंग्रेजों की अकड़ दूर हो क्योंकि रात के समय कवि के दुख बड़े हृदय पर मन लगाने सहानुभूति दिखाने आएंगे। वो कवि के संग संग रोने के लिए आई है तथा उसे चुपचाप विद्रोह करते रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। कवि को उसकी सहानुभूति स्वर में संघर्ष करने की प्रेरणा मिल रही है। चौथा काली तू रजनी भी कर शासन की करनी भी काली काली लहर कल्पना काली काली काल को भी कर छोटी काली मंदिर कर और वो संतरा काली पहरे की हूँ कुकृति की ब्याली इस पर है गाली ए गाली ए आली इस काले संकट सागर मरने के मनमाते क्योंकि तो अपने चमकते गीतों को होकर हो तैराती है। रजनी रजनी क्या होता है? करने मतलब पर काल को ही मन कलाकार कह कमले का अर्थ है यहाँ पर कंबल से लोह संग्रह लोहे की जंजीरें कुकृत्य ने हुंकार विद्रोह ब्यागे ने नंगी इस पर मधुमाती ने मस्ती से कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है हे कोयल रंग तेरा रंग का कोयल का रंग काला है। तो कवि इसे संबोधित करते हुए कहता है ये कोयल तेरा रंग काला है
आज की रात भी कैसी काली है, इधर मेरे शासन की कत्ते भी काली है। कारागार में रचे मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं भावनाएं रंगे होती हैं, वे भी काला। इस काल कोठे में मैं बंद हूँ, वो भी काला। अंधकार है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी को रखा जाता था, वहाँ रोशनी बिजली की व्यवस्था है, अंधेरा वो अंधेरा मेरे रात की काला। मैं मुझे बांधने वाली लोहे की ये जंजीरें वो भी काली, मुझे ओढ़ने के लिए जो कपड़ा दिया गया वो भी काली, मेरे टोपी है वो भी काली। इस काले अंधकार और अन्याय वातावरण में पहरेदार की हुंकार मैं मुझे समय के समान कसने वाली रखी है। इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागार में सिपाहियों की बंदी बंदी गालियाँ धमकियाँ अपमान भरा वातावरण अपमान भरा हाँ जगह सहना पड़ता है। गालियाँ सुनने वक्ति कारागार के इस संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने के ठान कर आए हो, मस्ती में यहाँ आ अवश्य गई हूँ किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कुछ नुकसान नहीं है, तुम पर सदा संकट के बाद छाए हैं। तुम अकेले प्रकाश भरे आशा और विश्वास भरे गीतों को संग्रहित आपने हुआ तो कारागार और मरवा कर क्यों व्यक्त कर रही हूँ, मुझे इस पर अपने मुँह से बोल कर बताओ। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में काली विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। काला रंग कोयल का रंग काली काला होता है, भात का रंग भी काला होता है, कभी की जो पत्नी है बंपर है जंजीर है पकड़ियाँ वो भी काली है। और काला का अन्याय कौन भी अन्याय कौन होता है, अन्यायपूर्ण व्यवहार शासन अंग्रेज शासन की जो कर्मी थी वो कार्य थे वो भी काले। तो कवि ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार काली विशेषण से संबोधित किया। तो कवि को कोयल का व्यवहार प्रेरणादायक लगता है। कोयल संकट के समय कवि को अपनी चमकीले सुनाकर चमकीली गान सुनाकर निश्चित रूप से स्वतंत्रता के रूप से संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। अब यहाँ कवि कोयल को रात कवि ने यहाँ कोयल रात को शासन की काली कर्तव्यों को काल को जुट को मन में रखने वाली कल्पनाओं को अपने जोड़ी को कंबल को लोहे की चीजों को सब प्रकार बताया है। ये काली चीजें घनघोर अंधकार और निराशा का वातावरण पैदा करती हैं। इस निराशा भरे वातावरण में कोयल अपने चमकीले गीतों से चारों ओर जोश और उत्साह कवि के अंदर के जोश संघर्ष कर रहे हैं। को सुनिए मुझे मेरे हरियाली का तुझे तुझे मेरी हरियाली का मुझे नसीब कोठी का मेरा नव 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 घर में संचार मेरा दसपुर का शीशा तेरे गीत कहावे वाह रोना भी मैं मुझे गुना एक विषमता तेरे में बजा रही इस पर रण भेरी इस हूँ प्रति पर अपनी कृति से और कहो क्या करूँ कोयल कोकिल बोलो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भरूं कोयल क्योंकि अंतिम इस कार्य में कवि क्या बोलता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। नसीब पर प्राप्त हूँ किस पर नसीब का गुना था विषमता ने अंतर रण देने युद्ध का संकेत युद्ध का मुद्दा उसका संगीत बन उसे उसको रण देने का आशा होने वाले ठीक हो या तुझे बैठने के लिए हरियाली से भरी हुई डालियाँ आज़ादी भी होगी तुझे बैठने के लिए पेड़ की डालियाँ मिली हैं आज़ादी होगी स्वतंत्रता मिली
तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर रही है, मुझे नहीं। मैं इस अंधेरी कोठरी में घुस रहा हूं। मार्गदर्शन मैं तो यहाँ कवि काल कोठरी में कैद है, जबकि कोयल आकाश में विचरण कर रही है और स्वतंत्र। कोयल के गीत सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं, मैं मुंह से वाह वाह करता हूँ। कवि का गुना सुनकर लोगों के मन से आहा निकल कर देते हैं। कोयल की हुंकार पर कवि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और बलिदान करना चाहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कविता में कोयल के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को प्रकट किया है। उससे इसका सरल अर्थ, उसके बाद एक से लेकर दस प्रश्नोत्तर जो पाठ मैंने पढ़ा शुरू से सभी का एक से लेकर दस गाइड बुक से लेकर प्रश्नोत्तर लिखना, पढ़ना भी है और लिखना भी है। एक से लेकर दस लिखिए और जब स्कूल को लेकर तब हम सबका पीछे। इस समय आपको समय का सदुपयोग करना है, पढ़ना है और लिखना है, और इसके बाद हम नई कविता के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए इजाजत हूँ। नमस्कार।